यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर बड़कोट से, जहां पर 10 दिन के बाद यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हो गई। 10 दिन के बाद यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हो पाई है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, पैदल मार्ग पर वैकल्पिक मार्ग से यात्रा शुरू हुई है। दरअसल भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित था। मार्ग बाधित होने की वजह से श्रद्धालु जा नहीं पा रहे थे, यमुनोत्री धाम में दर्शन नहीं कर पा रहे थे। वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा था जो बन गया है, और वैकल्पिक मार्ग से यात्रा शुरू हो गए। भनेली गाड़ के पास में ये भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित था। ये बड़ी खबर आपको दे दें, पैदल मार्ग पर वैकल्पिक मार्ग से यात्रा शुरू हुई है। दरअसल भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित था। मार्ग बाधित होने की वजह से श्रद्धालु जा नहीं पा रहे थे, यमुनोत्री धाम में दर्शन नहीं कर पा रहे थे। वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा था जो बन गया है, और वैकल्पिक मार्ग से यात्रा शुरू हो गए। भनेली गाड़ के पास में ये भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित था। ये बड़ी खबर आपको दे दें, पैदल मार्ग पर वैकल्पिक मार्ग से यात्रा शुरू हुई है। दरअसल भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित था। मार्ग बाधित होने की वजह से श्रद्धालु जा नहीं पा रहे थे, यमुनोत्री धाम में दर्शन नहीं कर पा रहे थे। वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा था जो बन गया है, और वैकल्पिक मार्ग से यात्रा शुरू हो गए। भनेली गाड़ के पास में ये भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित था। ये बड़ी खबर आपको दे दें, पैदल मार्ग पर वैकल्पिक मार्ग से यात्रा शुरू हुई है। दरअसल भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित था। मार्ग बाधित होने की वजह से श्रद्धालु जा नहीं पा रहे थे, यमुनोत्री धाम में दर्शन नहीं कर पा रहे थे। वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा था जो बन गया है, और वैकल्पिक मार्ग से यात्रा शुरू हो गए। भनेली गाड़ के पास में ये भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित था। ये बड़ी खबर आपको दे दें, पैदल मार्ग पर वैकल्पिक मार्ग से यात्रा शुरू हुई है। दरअसल भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित था। मार्ग बाधित होने की वजह से श्रद्धालु जा नहीं पा रहे थे, यमुनोत्री धाम में दर्शन नहीं कर पा रहे थे। वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा था जो बन गया है, और वैकल्पिक मार्ग से यात्रा शुरू हो गए। भनेली गाड़ के पास में ये भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित था। ये बड़ी खबर आपको दे दें, पैदल मार्ग पर वैकल्पिक मार्ग से यात्रा शुरू हुई है। दरअसल भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित था। मार्ग बाधित होने की वजह से श्रद्धालु जा नहीं पा रहे थे, यमुनोत्री धाम में दर्शन नहीं कर पा रहे थे। वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा था जो बन गया है, और वैकल्पिक मार्ग से यात्रा शुरू हो गए। भनेली गाड़ के पास में ये भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित था। ये बड़ी खबर आपको दे दें, पैदल मार्ग पर वैकल्पिक मार्ग से यात्रा शुरू हुई है। दरअसल भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित था। मार्ग बाधित होने की वजह से श्रद्धालु जा नहीं पा रहे थे, यमुनोत्री धाम में दर्शन नहीं कर पा रहे थे। वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा था जो बन गया है, और वैकल्पिक मार्ग से यात्रा शुरू हो गए। भनेली गाड़ के पास में ये भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित था। ये बड़ी खबर आपको दे दें, पैदल मार्ग पर वैकल्पिक मार्ग से यात्रा शुरू हुई है। दरअसल भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित था। मार्ग बाधित होने की वजह से श्रद्धालु जा नहीं पा रहे थे, यमुनोत्री धाम में दर्शन नहीं कर पा रहे थे। वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा था जो बन गया है, और वैकल्पिक मार्ग से यात्रा शुरू हो गए। भनेली गाड़ के पास में ये भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित था।